मस्त लग रहे हो। वीडियो बनाने लगा है, गेम देना इस्तेमाल लगते हो। तुम भी आ गए यार वीडियो में। कोई नहीं, चलो कार्तिक भाई गाड़ी चलाओ आप। मस्त वीडियो आती है भाई, चलिए अब मेरे दांत भी चमकने लगे हैं जैसे मैंने गुटखा छोड़ा है, तब खा सकता हूँ कुछ और मैं भी चमकने लगा हूँ। देखिए कितना गोरा हो चुका हूँ यहाँ आने के बाद, तो आप कमेंट कीजिएगा। ब्लैक ब्यूटी, हमें अभी पता चला कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं क्योंकि इसका ब्रेक फेल हो चुका है। गाड़ी पहन के आती है, हम नदी जा रहे हैं आज। हाँ विसर्जन करने हैं लड़की का। बहुत रात हो चुकी है, अब हम कैसे जाएंगे? यहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, ना कोई इंसान देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये रास्ता कैसी है यहाँ की, ये देखिए बहुत ही जंगल है, दूर दूर तक आदमी देखने को नहीं मिल रहे यहाँ पास। तो आप देख सकते हैं हम लोग अब रात के 2 बज चुके हैं, यहाँ पास शेर का भी खतरा बना हुआ है, तो बहुत डर लग रहा हुआ है, डर लग रहा है बहुत तेज। अब हम कैसे यहाँ पास से निकलेंगे? ये चांदनी रात की वजह से यहाँ पास मौजूदा कितना अंधेरा है, दूर दूर तक जंगल है, शेर भी देखने को मिल सकता है इस ब्लॉग में आपको। हमें बहुत डर भी लग रहा है, शेर देखने को मिलेगा तुमको, शर्म कर लो। देखिए आप इस ब्लॉग में शर्म कर लीजिए। ये यहाँ पास कुछ दिखने वाला है, ये देखिए शेर वंचित, शर्म कर लीजिए सर, शर्म कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पास कुछ दिखने वाला है, ये देखिए वो कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर शायद आदिवासियों का घर है, यहाँ पर शायद वो आदिवासी है, वहाँ पर आग लगा के भड़कम मचाया जा रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमको एक भाई साहब मिले हुए थे आदिवासी हैं, जो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पास से कुछ दूर चल के 300 किलोमीटर चल के आगे एक रिसोर्ट मिलेगा जहाँ पर हम रुक कर अपना विश्राम कर सकते हैं। बस नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैप में भी देखने में दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पास। और यहाँ पास से जस्ट ये देखिए आप, अब गाड़ियाँ भी चलना स्टार्ट हो गई यहाँ पास, तब खतरा टलता जा रहा है। आप देखिए कितना अंधेरा है, कुछ दिखाया नहीं रहा है यहाँ से, बहुत डर भी लग रहा है। और ये गाड़ी भी बहुत स्लो चल रही है, देखिए चल ही नहीं रही गाड़ी, आप देख सकते। आप देख सकते हैं कितनी स्लो गाड़ी चल रही है और खतरा। ये गाड़ी रुक चुकी है, घनघोर अंधेरा है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया दूर दूर तक, ये देख सकते हैं आप कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है जंगलों के बीच में बस। और ये गाड़ी स्टार्ट नाम लेने का नाम बस्ती लगना स्टार्ट हो चुकी है, और ये यह एरिया का नाम है भालछील, भालछील का बेस्ट रिसोर्ट, भालछील 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 रिसोर्ट है। देखिए यहाँ पास मार्केट भी स्टार्ट हो चुका है भालछील का, और यहाँ पास से मोस्टली 200 मीटर दूर एक रिसोर्ट है जहाँ पास कार्तिक प्रसाद मिश्रा रामनाथ कोविंद करके हैं, जिनकी बेस्ट दुकान है। और यहाँ के कुत्ते भी बहुत भौंकते हैं, देखिए ये कुत्ते, यहाँ पास के कुत्ते भी खतरनाक हैं।
देखिए यहाँ पास से भाल छेल से मोस्टली 100 मीटर दूर एक रिसोर्ट है जहाँ पास कार्तिक प्रसाद मिश्रा फ्रंट ऑफिस मैनेजर हैं, वो आदिवासी ने बताया है। तो आप यदि वहाँ पास जाते हैं तो कार्तिक प्रसाद मिश्रा से मिल के अपना रूम बुक कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए अब गेट दिखने लगा है श्री सेविला रिसोर्ट का, अब एंट्री कर रहे हैं हम श्री सेविला रिसोर्ट में। चलिए देखिए आप, ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी है ये आप एंट्रेंस देख सकते हैं कितना प्यारा है। यहाँ पर इसकी लाइट के हिसाब से देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरी होटल सोल्ड आउट होगी। कोशिश करेंगे कि शायद हमें रूम मिल सके यहाँ पास। चलिए देर ना करते हुए अब बात करते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर से। ये गेस्ट बैठे हुए हैं इतने सारे। सुपरमैन कम यार। चलिए ये गाड़ी पार्किंग की जा रही है। Yeah.